बताओ बच्चा कि इस मुल्क का हमदर्द कौन है, बगैर माइक लगे ही बता दो। रुक जाओ, रुक जाओ। बताओ जोर से। तो बच्चा फिर कौन है इस पाकिस्तान का हमदर्द? और हर बज्म से वाबस्ता हर पाकिस्तानी, बज्म हमदर्द से लेकर बज्म नौनेहाल असेंबली तक शरीक होने वाले हम तमाम नौनेहाला, तमाम नौजवानान और अब हमारी नस्लें, ये सब हैं हमदर्द पाकिस्तान। हाँ, मैं हूँ हमदर्द पाकिस्तान। मैं भी हूँ हमदर्द पाकिस्तान। मैं भी हूँ हमदर्द पाकिस्तान। मैं हूँ हमदर्द पाकिस्तान। देख उस्ताद, मैं भी हूँ हमदर्द पाकिस्तान। देख उस्ताद, नौशीन रज़ाक हमेशा की तरह लेट हो गई, लेकिन ये सब हमदर्द पाकिस्तान है क्योंकि नौशीन रज़ाक को अलग एंट्री चाहिए होती है। बच्चा इस बात पे डुगडुगी बजा दूँ? हाँ उस्ताद, बच्चे आगे आ जाएं। उस्ताद जब तक ये जोश व जज्बा मौजूद है, नस्ल दर नस्ल मौजूद है, हमदर्द वक्त पाकिस्तान मौजूद है, हकीम मोहम्मद सईद शहीद का नाम मौजूद है, मादरे नौनिहाल का साया मौजूद है, ये नौनिहाल और इनके अजीम वालदैन और इनके असातिज़ा मौजूद हैं, तो पाकिस्तान भी मौजूद है, क्योंकि हम सब हैं हमदर्द पाकिस्तान। हम सब हैं हमदर्द पाकिस्तान। हम सब हैं हमदर्द पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। पुरजोश तालियों में आसिफ इलियास साहब, उनके आइडियाज, उनका थिएटर, बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरती से महफिल को गरमाया और हम सब हैं हमदर्द पाकिस्तान। इससे पहले सेशन में अनवर मकसूद साहब ने बड़ी प्यारी बात की थी कि लफ्ज़ ही इतना खूबसूरत है हमदर्द, और आप सबको हमदर्द जो है अगर पाकिस्तान का हमदर्द बना दे तो इससे बड़ी बात कोई नहीं। और वाकई आज हम में मौजूद हम सब हमदर्द पाकिस्तान हैं। आखिरी जो हमारा सेगमेंट रह गया है वो है तासुरात, जो हमारे नौनिहाल इस वक्त अपने अपने प्रोफेशन में किसी न किसी अच्छी फील्ड में काम कर रहे हैं। सबको तो हम दावत नहीं दे सके स्टेज पर, लेकिन कुछ लोग हमारे साथ ऑडियंस में मौजूद हैं। मैं चाहूँगी माइक उन तक ले जाया जाए ताकि हम जल्दी जल्दी उनकी बातें सुन सकें और फिर हम अपने चीफ गेस्ट की तकरीर पर हैं। हिना रब्बानी साहिबा को मैं माइक दूंगी कि वो अपना तासुर बताएं। ये डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हैं, डाउ मेडिकल कॉलेज से इन्होंने मास्टर्स किया है, लाइन ऑफ फार्मेसी में काम कर रही हैं, अंजुमन यादगार टीपू सुल्तान में मुंतजम हैं, मुबाहिसों मुकाबलों में हिस्सा लिया, कई प्रोग्रामों की मेज़बानी की। हिना रब्बानी क्या कहेंगी आप? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं हमदर्द नौनिहाल असेंबली की बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज मुझे यहाँ पर मदु किया और मुझे अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया। हमदर्द और मेरा साथ बचपन का है, या मैं ये कहूँगी कि मेरे ज़माने के तमाम तालिब इल्मों के साथ हमदर्द का साथ काफ़ी पुराना है। मैं बड़ी हुई हूँ हमदर्द नौनिहाल को पढ़ते पढ़ते। इस मौके पे मैं अपनी उस्ताद मिस सरवत जहाँ की बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने हमेशा मुझे ऐसे प्लेटफॉर्म फराहम किए जहाँ मैं अपनी सलाहियतों को बरूए कार ला सकूँ। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारे असातिज़ा के साथ साथ हमदर्द ने हमारी तालीम व तरबियत में एक कलीदी किरदार अदा किया है।
वैसे तो मैं स्कूल के ज़माने से ही तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लेती रहती थी, लेकिन 2007 में पहली दफ़ा मैंने हमदर्द नौनिहाल असेंबली में बतौर मुकर्रर शिरकत की। यहाँ मुझे मज़ीद हौसला अफजाई हुई, पज़ीराई मिली। यहाँ आने वाले तमाम स्कूल के तलबा से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और मैं ये कहना चाहूँगी कि हमदर्द जो है वो पाकिस्तान का फ़ख्र है। हमदर्द ने इस तरह के प्लेटफॉर्म फराहम किए हैं जिससे तलबा की मज़ीद तालीम व तरबियत में उनकी सलाहियतों में इजाफ़ा होता है, उनकी सलाहियतें उजागर होती हैं। तिब के शोबे में इसने मज़ीद काविशें अंजाम दी हैं जिसकी वजह से हमारा मुल्क पाकिस्तान मज़ीद तरक्की की तरफ गामजन हो रहा है। मैं ये कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान की तरक्की उसी हाल में मुमकिन है कि यहाँ का हर फर्द अपनी जिम्मेदारियाँ अहसन तरीक़े और दयानतदारी के साथ अंजाम दे। आखिर में मुझे अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आ रहा है, अफराद के हाथों में है अक्वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक्वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। शुक्रिया। अब माइक रमला अहमद के पास ले जाइएगा। रमला अहमद जो हमारी नौनिहाल असेंबली की पार्टिसिपेंट हैं, इन्होंने यहाँ मुकर्रर की हैसियत से फ़राइज़ अंजाम दिए। डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी हैं, डॉ मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से इन्होंने अपनी डिग्री हासिल की है। आप अपने ख्यालात का इजहार। बहुत शुक्रिया आपका। मैं अपने आज के टॉपिक पे, ये देश हमारा है इसे हमने संवारा है, इस पर बात करना चाहूँगी। ये देश हमारा है और वाकई हमने इसे संवारा है, क्योंकि यहाँ हम सब की मौजूदगी इस बात का मुँह बोलता सबूत है। हम इस वतन से बेहद और बेगर्द मोहब्बत करते हैं, अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए अपने हुसूल इल्म पर मरकूज हैं। आंधी हो या तूफ़ान, कोरोना जैसी वबा हो या सियासत की उखाड़ पिछाड़, हड़तालें हों या तालाबंदियाँ, हमने हकीम सईद के इस कौल की हर वक्त पाबंदी की है कि वक्त एक अमानत है और इसका सही इस्तेमाल इबादत है। वो कहते हैं कि एक औरत, एक पढ़ी लिखी लड़की पूरी नस्ल की ज़िम्मेदार होती है। तो जिस तरह हमारी पढ़ी लिखी माओं ने हमें इस काबिल बनाया कि हम अपने मुल्क की खिदमत करें, तो हम भी कोशिश करेंगे कि हम अपनी नस्लों को इस काबिल बनाएं कि हम उनकी अच्छी तरबियत करें और हक़ व इंसाफ़ के हमारे देश में अमन व इस्तेहकाम की राह पर गामजन हो, हक़ व इंसाफ़ का बोलबाला हो, बाइख़लाक और बाकिरदार माशरे की तश्कील हो और दुनिया हमारे वतन को इज्जत और एहतराम की निगाह से देखे। अल्लाह करे आपकी ख्वाहिश। आमीन आमीन इंशाल्लाह। आखिर में बस इतना ही कहूँगी कि हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियाँ, कौमों की इज्जत हम से है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं कहूँगी कि माइक मोहम्मद अली इब्राहिम के पास ले जाइए। ये भी हमारे मुकर्रर थे हमदर्द नौनिहाल असेंबली के। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग की है, एमफिल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट NED से की है। फ़िलहाल ब्रिटिश ओवरसीज़ स्कूल ऑफ स्कूल में मैनेजर सहूलियात और साइट्स के तौर पे काम कर रहे हैं और मोबिलिंग में, TPL में और दीगर इदारों में अपने फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं। आप सबकी तालियों में मोहम्मद अली इब्राहिम साहब नहीं है। अच्छा ठीक है, सरवत जहां साहब के पास माइक ले जाइएगा। साहिबा, सरवत जहां साहिबा, आप अपने ख्यालात का इजहार करें। ये टीचर हैं, हमदर्द नौनिहाल असेंबली की पार्टिसिपेंट रही हैं, MBA और BEd हैं। जी सरवत जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया कि मैं आज यहां पर मौजूद हूं, और मैं यहां जितने पार्टिसिपेंट्स थे उनकी मौजूदगी में यही कहूंगी कि ये सच है कि ये देश हमारा है और इसे हमने संवारा है। देखिए यहाँ जितने लोगों की मौजूदगी थी, जितने लोग यहाँ पर माशाल्लाह चमकते सितारों की तरह आए, तो इसका मतलब है ये कामयाब हैं और इस वतन को मायूस होने की, हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ इस तरह का एक तबका मौजूद है जो बाशऊर है और जो इस एहसास ज़िम्मेदारी से भरपूर है, तो वो कभी भी हम इंशाल्लाह वो नहीं हो सकते, कभी हमें कोई गिरा नहीं सकता। तो लिहाजा वो भी ऐसा इदारा जिसमें हकीम सईद साहब जैसे रहनुमा मौजूद हों और उन्हीं से सीखे हुए, उन्हीं की तरबियत याफ्ता ये सारी नस्लें इंशाल्लाह आगे जाएंगी तो तरक्की करेंगी। तो मैं तो बिल्कुल मायूस नहीं हूँ, बिल्कुल वो इकबाल के उस शेर की तरह कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ती वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बरी ज़रखेज़ है साकी। तो ये कहना कि हमने जो है हर चीज़ के, देखिए मनफी और मस्बत दोनों पहलू होते हैं, तो हम हमेशा तस्वीर का एक तारीख रुख क्यों देखते हैं? लिहाजा हमें रोशन
रुख भी देखना है और हमें बिल्कुल मायूसी नहीं, मुझे तो नहीं है, क्योंकि मैं यकीन करें कि इस प्लेटफॉर्म से जब से वाबस्ता हुई थी तो मेरे अपने ही लफ्ज़ों को जो जिला मिली है इस प्लेटफॉर्म से, तो वो मैंने अपने तलबा में उसे यूँ समझे कि उनमें उन्होंने फैस पाया इससे, और आज मैं इतनी खुश हूँ कि वाकई के हमदर्द ने जो तरक्की की है, और आज मैं इसको इसकी जो उर्दू ज़बान है जो मैं समझती हूँ कि मेरे अंदर भी बहुत एतमाद पैदा हुआ, इसे मैंने अपने तौर पे आगे बढ़ाने की कोशिश की। अंजुमन यादगार टीपू सुल्तान शहीद एक अंजुमन है, यूँ समझ लीजिए कि पूरे पाकिस्तान में ही है वो एक इदारा, तो उसे मैंने हमदर्द के इस प्लेटफॉर्म से सीखते हुए वहाँ उर्दू ज़बान को प्रमोट किया है, यानी उसको फ़रोग दिया कि वहाँ भी उर्दू में ही काम होगा। बहुत शुक्रिया सरवता। तो ये मतलब मायूसी बिल्कुल कुफर है। बिल्कुल, मैं भी मायूस नहीं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, मायूसी तो होनी भी नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया। ज़मीन की पासदारी के लिए शहीदों ने अपने लहू के चिराग जलाए हों, वहाँ रोशनी कम ज़रूर हो सकती है, अंधेरा नहीं हो सकता। और अब आखिरी हमारी पार्टिसिपेंट हैं असरा नजीब साहिबा, उन तक माइक ले जाइएगा। असरा नजीब भी हमदर्द नौनिहाल असेंबली की मुकर्ररा रही हैं। अस्सलामु अलैकुम अहले असेंबली। आयदर फामदी फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी। मैं तब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट से एसोसिएटेड रही और एबर्ट न्यूट्रिशन से एसोसिएटेड रही, और मैंने बड़े रिकॉर्ड्स तोड़े वहाँ। जो लोग 30 साल 20 साल से जॉब कर रहे थे और मैंने 2 महीनों में रिकॉर्ड्स तोड़े, उसकी वजह क्या थी जो मुझे नहीं, खुद नहीं मालूम थी। जब लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि उसकी वजह ये फाउंडेशन थी, हमदर्द नौनिहाल असेंबली से, रेडियो पाकिस्तान से। जो कुछ हमने सीखा वो शायद हमारी प्रैक्टिकल लाइफ्स में बहुत काम आया। तालीम हासिल करने के बाद मेरा मैदान अमल एक टॉपिक था, शायद आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगा, और मेरा उन्वान था कि मैं तालीम हासिल करने के बाद सियासत के मैदान में आऊँगी। मुल्की कर्ज़ा आवाम के कर्ज़े से और अपना कर्ज़ा मुल्क के कर्ज़े से उतारूँगी। ये मुल्क जो एक गेंद की मानिंद समझा जाता है, एक के हाथ से दूसरे के हाथ में उछाल दिया जाता है, इस पर अब नई नस्ल हुकूमत करना चाहती है। दुख इस बात का है कि ये लाइनें मैंने अभी नहीं सोची, ये लाइनें मैंने 15 से 20 साल पहले इस हमदर्द नौनिहाल असेंबली में बोली थी, मेरी तकरीर का हिस्सा थी, जिस पे हकीम मोहम्मद सईद साहब ने मुझे अव्वल इनाम दिया था। वो घड़ी आज भी मेरे घर में मौजूद है, उनकी तारीफ़ें, उन्होंने जो मेरे लिए अल्फाज बोले, जिस तरह मुझे इस ऐवान में अप्रिशिएट किया गया। मैं यहाँ से इनाम लेने गुजरी, लोग खड़े थे, कोई मेरा कंधा थपथपा रहा था, कोई मेरे सर पे हाथ रख रहा था। मैंने इनाम लिया, मैं वापस आई, फिर भी लोग खड़े थे और मेरी तारीफ कर रहे थे। उस वक्त मैं बच्ची थी, बहुत बड़ी खुशी की बात थी, बहुत बड़ा एहसास था। मुझे पहला इनाम मिला, मुझे हकीम साहब की तारीफ मिली, बहुत खुशी का एहसास हुआ। लेकिन आज मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए कि 20 साल गुजरने के बाद भी आज मेरी लाइनें चेंज नहीं हुई। मैं चाह रही थी कि वो तकरीर किसी अलमारी के कोने में पड़ी हुई हो, मैं ढूंढ के लाऊं और मैं पढ़ूं, क्योंकि इत्तेफाकन कुछ सालों पहले ही मेरे सामने से गुजरी। और यकीन जानिए कि मैं रो पड़ी कि आज मुझे कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है उस तकरीर में। मुझे उसमें बम ब्लास्ट का टॉपिक कुछ ऐड करना है, मुझे साइबर क्राइम का कुछ टॉपिक मज़ीद ऐड कर दी, तो आज भी मैं इस ऐवान में वो तकरीर कर सकती थी। जब मेरे भाई ने इस असम्बली का बताया तो मुझे बहुत खुशी हुई, पुरानी यादें ताज़ा हुई। यहाँ बहुत बड़े बड़े नाम मौजूद हैं, कोई रेवेन्यू इंस्पेक्टर है, कैफे विजन मौजूद हैं, नुमानुल हक मौजूद हैं, उसामा मौजूद हैं और दीगर बड़े बड़े नाम मौजूद हैं। मैंने तो कुछ प्रिपरेशन ही नहीं की, मैंने कुछ लिखा नहीं, कुछ सोचा नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि यार मैं इस मकाम पर नहीं हूँ कि आज मैं कुछ बोल सकूँ, मेरा तो कोई ओहदा ही नहीं है। लेकिन यहाँ 15 मिनट हुए थे मुझे एंटर होते हुए, मेरे अंदर दोबारा से वो जज्बा जाग गया, मेरे अंदर वही कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया और मुझे हुआ कि नहीं, मैं भी बोलूँगी। दुख इस बात का हुआ कि बड़े जिक्र हुए हमारे बड़े अच्छा सिंगर जिन्होंने बड़ी सी पुरानी यादें ताज़ा की और मैंने तो बड़ा इन्जॉय किया इनके सारे गाने, सबका जिक्र हुआ,
सारे